वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। हम लोग घूम घूम के थक गए थे, पूरा इस्कॉन टेम्पल आप लोगों को दिखा दिया। मैं फाइनली बेबी को बोल रही थी कि अभी घर चलते हैं, बट यहाँ पे ना घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा जगह है एंड ये हमारे घर से दूर भी पड़ता है। तो बेबी बोल रहे थे एक और जगह जाके आते हैं, मॉल घूम के आते हैं, बिकॉज बार बार नहीं आ सकते गाइस, बहुत दूर एंड एक्सपेंसिव भी पड़ता है यहाँ पे आना। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो हम लोग ओरियन मॉल चले गए थे बिकॉज यहाँ पे वीकेंड पे इवेंट्स चलता है। सो गाइस, इस्कॉन टेम्पल से निकल के हम लोग आ गए हैं ओरियन मॉल और ये ब्रिगेड गेट पे है और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दिया है एंड वो है ओरियन मॉल। यहाँ पे वीकेंड पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए देखने के लिए आए हैं। और अभी कुछ चल रहा है ना, कुछ मेला जैसा लगा है, जाके देखते हैं क्या। गाइस पिछली बार हम लोग आए थे तो बाउंस करके एक फिटनेस का ब्रांड है, तो उसकी तरफ से इवेंट चल रहा था, कपल्स वाले गेम्स खिला रहे थे एंड मतलब उनका बैंड गिफ्ट दे रहे थे, तो बेबी ने एक बैंड भी जीता था। तो हम लोग वही सोच के आए थे, बट कोई इवेंट या कोई फंक्शन तो नहीं था, एक मेला जैसा लगा हुआ था, एग्जीबिशन ही था। यहाँ पर भी ज्वेलरी एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, चिकनकारी कुर्ती एंड घर के रिलेटेड चीजें सब कुछ मिल रहा था। सब ज्वेलरी है, प्लांट्स है, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट, मतलब क्लोथ्स एंड ज्वेलरी है। और यहाँ पे तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी वीडियो बनाते हुए, तो मैंने बस ऐसे ही शूट किया एंड मेरा हालत देख सकते हैं, मेरा शक्ल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या मतलब किस फीलिंग से गुजर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ट्रैवल टाइप की पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। बेबी को पसंद है और बेबी के साथ घूम घूम के थोड़ा बहुत आदत हो गया है बस। और ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था एंड ये प्योर कॉटन कुर्ता था, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्गेन्जा एंड चिकनकारी कुर्ता भी था। एंड फिर घूमते घूमते बेबी बोलने लगे कि अंदर चलते हैं, मेरा पेशेंस इतना लो हो गया था कि मैं बोल रही थी बिल्कुल नहीं, बिकॉज मॉल आने पर ही मैं मना कर रही थी कि सीधा मंदिर से घर जाते हैं, बिकॉज नाइस रोड से ट्रैवल करना था 1.5 घंटा का सफ़र एंड थक के ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल भी आप समझ सकते हैं, तो इस वजह से। बट बेबी बोले कि लिफ्ट से चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग चले गए थे अंदर मॉल के अंदर। मॉल जाने में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है गाइस, लिटरली मैं बता रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा नेचर टाइप की पर्सन हूँ, नेचर मतलब ओशन, झरना, बीच एंड पार्क, ऐसे जंगल में लेके जाएंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बट एट द सेम टाइम मॉल वगैरह जहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें रहता है वहाँ पे मेरा मन नहीं लगता है, आई डोंट नो। होता है किसी किसी को मॉल में किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट मैं वैसी टाइप की पर्सन नहीं हूँ। एंड हम लोग अंदर चले गए थे फाइनली। यहाँ पे एक छोटा सा लेक टाइप का बनाया गया है फोटोशूट करने के लिए। यहाँ पे रबड़ी मिल रहा था एंड 80 रुपीज़ कुछ था उसका दाम, 80 या 100 पता नहीं, हम लोगों को नहीं खाना था तो हम लोग मॉल के अंदर चले गए थे। एंड बेबी पूछ रहे थे कि क्या खाना है, मैं बस बोल रही थी कि चाय पीना है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो बस चाय पीना होता है। एंड गाइस इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं, मंत्री स्क्वायर मॉल है, नेक्सस मॉल है, ओरियन मॉल है, बट मंदिर से जो सबसे पास में है वो ओरियन मॉल है। तो अगर आप मंदिर विजिट कर रहे हैं ना तो ओरियन मॉल ज़रूर आना। यहाँ पे मतलब सैटरडे संडे आ रहे हैं तो बिल्कुल मिस मत करना, कुछ कुछ इवेंट्स चलता रहता है, बैठने का बहुत ज़्यादा जगह है, फोटोशूट करने के लिए जगह है। तो गाइस अभी हम लोग ओरियन मॉल के अंदर घुस गए हैं और अभी अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत अच्छा मॉल है, बहुत सुंदर भी है और सामने मेला लगा हुआ था जो कि दिखाई दिया आप लोगों को, तो चलिए चलते हैं अंदर। बहुत थक गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देख सकते हैं पूरा कैसा सुस्त सुस्त लग रहा है, लेकिन मॉल आ गए हैं तो घूम के देखते हैं। एंड ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट जो दिख रहा है गाइस, इसमें बेबी को चढ़ना था तो हम लोग सेकेंड फ्लोर पे गए थे घूमते घूमते, तो वहाँ से हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे, बट बहुत देर बाद लिफ्ट आई
तो उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं था, तो हम लोगों को ऐसे ही वहीं पे वेट करना पड़ा। मैंने बोला एस्केलेटर से चढ़ते हैं, तो एस्केलेटर से हम लोग थर्ड फ्लोर पे चले गए जहाँ पे फूड वगैरह का सेक्शन होता है। एंड वहाँ पे गए घूमे थोड़ा बहुत, एंड और ज्यादा चल फिरने का हिम्मत नहीं था, तो थर्ड फ्लोर पे इंतजार कर रहे थे। बहुत टाइम लगाया लिफ्ट, एंड उसी में बेबी को जाना था, तो वहां पे फाइनली आ गया। थोड़ा बहुत स्पेस था तो हम लोग चढ़ गए थे। एंड बैंगलोर ऐसे जगह है ना जहाँ पे हर कंट्री हर स्टेट के लोग आपको दिखने को मिलते हैं, एंड कर्नाटका के दूसरे सिटीज में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरा कन्नड़ा बोलने वाले लोग ही ज्यादा रहते हैं, एंड किसी किसी को वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना ज्यादा पसंद है। लोगों को फील आता है, लोगों को अच्छा लगता है, तो दूसरे कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, बट किसी किसी को नहीं पसंद है। एंड आई एम द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, जो सेकेंड कैटेगरी में मैंने बोला, मुझे शायद मैं अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ मेरा, ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी जहाँ पे आई एम मोर लाइक अ रूरल पर्सन, तो मुझे ये सारा चीज़ें उतना मतलब अट्रैक्ट नहीं करते हैं अपने जगह। एंड आई फील कि अनलेस यू जज योर सेल्फ कि आप सही हो या गलत, यू कांट ब्रिंग अप योर चाइल्ड प्रॉपरली। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और जिसको समझ में आता है वेरी गुड। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी टाइप की पर्सन हूँ, एंड मैं बस देखती हूँ दूर से ऐसी चीजें, उसको ज्यादा उसके अंदर घुसने का कोशिश नहीं करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि अभी चलते हैं, बहुत हो गया। तो पिछली बार हम लोगों ने आइकिया का टूर करवाया था गाइस, वो भी इसी एरिया में पड़ता है। तो वापस लौटते समय हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में रुक के चीज पनीर सैंडविच और चाय पिया था मसाला पूरी के साथ। वो चीज पनीर सैंडविच बहुत ज्यादा पसंद आया हम लोगों को, तो हम लोगों ने सोचा कि वही खा के चलेंगे, बिकॉज सेम रूट से ही जाना था हम लोगों को इसलिए। सो गाइस, हम लोग सारा मॉल घूम लिए हैं, बट आज पता नहीं क्यों बोल बोल के शूट करना नहीं हो पाया। आँख जल रहा है और सर भी भारी है, तबीयत थोड़ा खराब है। एंड ये ब्रिगेड गेट में है, देखिए कितना बड़ा है। बैंगलोर का बात आता है तो इसी को दिखाया जाता है ना, किसी भी मूवी में या कहीं पर भी, किसी भी मूवी में कोई बैंगलोर का वीडियो है उसमें दिखाया जाता है। एंड नीचे वहाँ पे घूम के हम लोग आए हैं जहाँ पे मेला लगा हुआ है, और ये बर्गर किंग है। हाँ, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, दिखा दो। हम लोग समोसा और खाने आए हैं। एंड इस लिफ्ट में जाने के लिए यहाँ पे दिखेगा इस कितना भीड़ लगा हुआ है, जबकि पासी में एस्केलेटर था। हम लोग भी खड़े हो गए थे लाइन में, तो चले गए थे एस्केलेटर में, बिकॉज ट्रांसपेरेंट था ना तो थोड़ा अच्छा लगता है उसमें। ये बाउंस जो दिख रहा है ना, पिछली बार इसी ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। एंड ये एस्केलेटर से लिफ्ट नीचे जा रहा था, हम लोग बाहर जाने वाले थे। एक्चुअली हम लोगों ने ब्रिगेड गेटवे में अपना पार्किंग किया हुआ था, जबकि मॉल का भी अलग से पार्किंग था, बट वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, तो हम लोगों को बहुत दूर तक चल के जाना पड़ा पार्किंग तक वहाँ पे। सो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, और सुबह से ही घूम रहे हैं। एंड इस्कॉन घूमा, मॉल घूमा, बहुत ज़्यादा घूम लिया। अभी सीधा जाएंगे घर, मुझे बस चाय चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। बेबी से वही बोल रही थी, मॉल में चाय पियेंगे तो 99 रुपीस का पड़ेगा, बाहर जाएंगे हमारा कोई फेवरेट टपरी पे चाय पियेंगे एंड फिर घर जाएंगे। बेबी ऑब्वियसली अपना फेवरेट चाट खाएंगे, फिर जाएंगे घर, बिकॉज बेबी को भी ड्राइविंग करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, है ना। हाँ, बहुत थक गए हैं, नीचे करो। और यहाँ पे हाथी बना हुआ है, सुंदर सा हाथी का पेंटिंग बना हुआ है, बहुत अच्छा है। बोलने का भी मन नहीं कर रहा, इतना कमर और शरीर दुख रहा है। बेबी का भी दुख रहा है ना, आपका भी दुख रहा है ना। वो गाड़ी चला के पीछे का है, हड्डी दुखता है। गाड़ी पे बैठ के गाड़ी चला के दोनों को दुखता है। तो अभी सीधा घर जा रहे हैं, फाइनली बाहर निकल के सीधा घर जाएंगे। गाइस, इस्कॉन टेम्पल विजिट करने के लिए आपको, अगर आप मैजेस्टिक से आ रहे हैं तो आपको महालक्ष्मी वाला मेट्रो स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। अगर आप नागासंद्रा एरिया से आ रहे हैं तो आपको सैंडल सोप फैक्ट्री में उतरना पड़ेगा, तो वहाँ से बहुत करीब पड़ता है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा और भी चीज़ें हैं घूमने फिरने के लिए, उसको मिस मत करना अगर आप आ रहे हैं तो।
तो हम लोग जा रहे थे फाइनली, एंड हम लोग नाइस रोड से ही जाने वाले थे। दो ऑप्शंस थे गाइस, जहाँ से मेन रोड से भी जाने वाले थे, बट वहाँ पे कोई भरोसा नहीं ट्रैफिक वगैरह रहेगा, तो हम लोगों ने नाइस रोड का ऑप्शन चुना। तो टोल फीस देना पड़ता है, अभी तो वो बढ़ भी गया है, पहले 50 था, अभी 80 हो गया, अभी 100 हो गया है। तो चाय पिया, फिर पनीर चीज सैंडविच खाया था हम लोगों ने। फाइनली आ गए हैं हम लोग अपने एरिया में। ये टोल प्लाजा है, देख लीजिए, पार कर दिया है, एंड बहुत कमर दुख रहा है तो यहाँ पे खड़े होके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे खड़े नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पूरा जंगल है। अभी जा टोल प्लाजा है और इतना स्पीड चला है बेबी की, आने आने तक सर्दी हो गया, इसीलिए बोल रहे थे आप जैकेट पहन लो। गाइस ये जो इस्कॉन टेम्पल से लाए थे जेमस्टोन वाला ट्री, बेबी ने यहाँ पे अनपैक किया है, कितना खूबसूरत है देखिए। एंड ये 275 रुपीज का पड़ा हम लोगों को, छोटा वाला, बड़ा वाला था 750 रुपीज का। और इसमें बहुत कलर के जेमस्टोन है, हर एक जेमस्टोन का अलग अलग मतलब है, तो यूजफुल लगा तो हम लोगों ने ले लिया। और इसको यहाँ पे रखेंगे हम लोग, है ना बेबी, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और मैं भी थक गई हूँ, लेकिन ड्राइविंग बेबी की है ना, तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।